हो रहा है गजब, क्योंकि आज हम क्रेटा कर रहे हैं मॉडिफाइड विद टॉप क्लास ब्रांड क्लास में भाई, ब्रांड आइटम में लगा रही है सारी की सारी क्वालिटी प्रोडक्ट भाई। जो नंबर वन क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं वो हम कर रहे हैं इंस्टॉल इस क्रेटा में, और पूरी परफेक्शन के साथ करेंगे। हर चीज़ बहुत डिटेल में बनाने जा रहा हूँ भाई। जैसे कि आप जानते हो, हम सारी की सारी हुंडई की ओरिजिनल आइटमों में डील करते हैं। हमारे पास क्रेटा की सारी आइटमें हुंडई की ओरिजिनल होती हैं, और जो प्रोडक्ट लगाते हैं जो हुंडई में ओरिजिनल नहीं आते, वो भी टॉप क्लास टॉप क्वालिटी के प्रोडक्ट हमारे पास होते हैं। तो भाई सबसे पहले बता दूं, क्रेटा का फ्रंट देख रहे हो आप, सिर्फ लगाई है फॉक लैंप। जी हाँ, फॉक लैंप भी जो लगाई है वो हुंडई की ओरिजिनल लगाई है। और एयर स्कूप भाई, ये कटिंग करके नहीं लगाया, ये ओरिजिनल एयर स्कूप लगाया, दिखा दूँ मैं ध्यान से, कटिंग करके नहीं, ओरिजिनल एयर स्कूप लगाया। फॉक लाइट में लगाई है LED और हेडलाइट में लगाई HID, कौन सी बता दूँ मैं आपको, ओसराम। और ओसराम की प्रीमियम क्वालिटी की HID लगाई है भाई, कोई लोकल नहीं लगाई, और ये 2 साल की वारंटी वाली प्रीमियम क्वालिटी, यानी 2 साल की वारंटी की HID है। HID की 2 साल की आपको कंपनी की तरफ से वारंटी मिलती है भाई। LED लगाई है मैक्सलिंक की GT सीरीज 110 वाट। भाई इसमें 74 वाट भी आती है, ये 110 वाट की है, इसकी भी 2 साल की वारंटी है। मिंडा मिंडा कंपनी जो हमने फॉग लाइट लगाई है भाई, फॉग लाइट के अंदर रिले लगाई है, वो लगाई है हमने मिंडा की, बहुत बढ़िया क्वालिटी प्रोडक्ट भाई, सारे के सारे क्वालिटी प्रोडक्ट, फॉग लैंप हुंडई की ओरिजिनल। और कंपोनेंट जो लगाने जा रहे हैं भाई, JBL की GTO सीरीज। जी हाँ, JBL की GTO सीरीज के कंपोनेंट हम इसके अंदर लगा रहे हैं, जिसका कहीं से भी कोई मुकाबला नहीं है भाई, आज दिखा दूं। और डैम्पिंग की भाई, डैम्पिंग भाई जो गाड़ी की स्पीकरों की जान है, दिखा दूं आपने गाड़ी की डैम्पिंग कौन सी लग रही है। डैम्पिंग लगाई जा रही है डॉक्टर आर्टेक्स की, प्रॉपर डैम्पिंग भाई। डैम्पिंग किसे कहते हैं, क्यों करानी चाहिए डैम्पिंग, देख लो भाई। और सिर्फ बाहर की लेयर नहीं है, अंदर भी पूरा देख लो भाई, पूरी लेयर करी है भाई, सॉलिड सॉलिड डैम्पिंग दिखा दूं आपको मैं भाई। दरवाजा बंद करने से ही फील का पता चलता है यार, जो सॉलिडनेस इस दरवाजे के अंदर आ रहे हैं, देख रहे हैं आप भाई, ये देखो कैसे छनकने बज रहे हैं, और यहाँ कैसे सॉलिड बना आ रहा है। जब आपका बेस सॉलिड होगा, समझने की कोशिश करना, अगर आपने अपनी गाड़ी में 2 लाख रुपए के, जी हाँ 2 लाख रुपए का सिस्टम लगाया है, म्यूजिक सिस्टम लगाया है, हैवी से हैवी, और अगर आपने डैम्पिंग नहीं कराई भाई, बता दूँ कोई फ़ायदा नहीं है। डैम्पिंग साउंड के लिए बहुत ज़रूरी है, अच्छे स्पीकरों के लिए, अच्छे कंपोनेंट के लिए, साउंड क्वालिटी के लिए डैम्पिंग भाई सबसे ज़रूरी चीज़ है। और प्रॉपर तरीके से डैम्पिंग करना किसे कहते हैं, ये आप देख रहे हैं डॉक्टर आर्टेस्ट की प्रॉपर डैम्पिंग की जा रही है, जिसकी क्वालिटी फिटिंग एक्यूरेसी आप देख रहे हो भाई। 150 डिग्री 150 डिग्री टेम्परेचर में मैंने इसे टेस्ट किया है, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट रहती है, कोई पिघलती नहीं है, प्रॉपर तरीके से सारा काम किया जा रहा है। और भाई ये कर रहे हैं हम इसके अंदर स्टेयरिंग रैप, देखिए भाई प्रॉपर तरीके से स्टेयरिंग रैप किया हुआ है, स्टेयरिंग कंट्रोल ओरिजिनल, क्रूज कंट्रोल ओरिजिनल, पूरी तरह से वर्क करने वाले हैं, गाड़ी में सारा का सारा काम किया जा रहा है। साइड मिरर फोल्डिंग भाई, बार बार कह रहा हूँ, डिस्काउंट के चक्कर मत फंसो, कपलर टू कपलर, ये हुंडई का ओरिजिनल कपलर है, और ओरिजिनल कपलर के अंदर हमने ओरिजिनल कपलर लगाकर फिटिंग करी है भाई। लोगों की तरह कपलर को काट काट कर जुगाड़ नहीं बनाया भाई, प्रॉपर तरीके से classicaccess.com की रिले लगाई है जेन्युइन, जो कि रहने वाली है कपलर टू कपलर। और भाई सबसे बड़ी चीज़, क्रेटा का जेन्युइन स्विच लगाएंगे भाई, क्रेटा का जेन्युइन स्विच लगाने हैं, वेन्यू का स्विच या किसी और गाड़ी का मारुति का स्विच नहीं लगाने जा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से सारा काम अंजाम दिया जा रहा है। और भाई देख, आर्टेक्स की डैम्पिंग और साथ में हर्ट्ज के क्वैक्सल, जी हाँ पीछे लगाए जा रहे हैं हर्ट्ज के क्वैक्सल स्पीकर, जो बहुत ही शानदार क्वालिटी के हैं, मारुति में अप्रूव्ड है, महिंद्रा में अप्रूव्ड है भाई, बिल्कुल जेन्युइन प्रोडक्ट जो हमने इसके अंदर लगाया। और आगे लगाए जा रहे हैं GTO कंपोनेंट, प्रॉपर फिटिंग देख रहे हो, डैम्पिंग की एक्यूरेसी देख रहे हो भाई,
लगाने का तरीका ये नहीं कि छोटे छोटे टुकड़ों में लगाई है, प्रॉपर तरीके से लगाई गई। इसी हिसाब से इसकी साउंड क्वालिटी भी निकलने वाली है भाई, तो आने वाला है मज़ा। नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र चौधरी और आज एक और क्रेटा में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। क्रेटा बजट फ्रेंडली गुड साउंड सेटअप और साथ आपके लिए लेके आए हैं ज़बरदस्त 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 गाड़ी जो हमने की है तैयार। क्वालिटी प्रोडक्ट्स इसके अंदर लगाए हैं, जैसा कि मैंने दिखाया था क्वालिटी प्रोडक्ट्स इसके अंदर लगाए हैं। ओसराम की HID फॉक लाइट में लगाई है, LED GT सीरीज की 110 वाट की क्वालिटी। देख रहे हैं आप, ये है साइड मिरर फोल्डिंग। साइड मिरर फोल्डिंग हमारी स्पेशलिटी है। फेंडर में इंडिकेटर देख के पता चलता है भाई ये बेस मॉडल गाड़ी है, और इसमें हमने साइड मिरर फोल्डिंग की है जो कपलर टू कपलर है, किसी भी तरह की कोई ओरिजिनल वायर कटिंग नहीं की। और भाई रोज़ की पता नहीं कितनी गाड़ियाँ कर, क्रेटा हो तो ऐसी भाई, ऐसी मॉडिफिकेशन हर कोई चाहता है अपनी गाड़ी में करानी, क्या नहीं लगाया हमने भाई साहब। आप लोगों के विश्वास हमें यहाँ तक लेके आया, हर आइटम चाहे वो हो अलॉय व्हील, चाहे वो हो साइड मिरर फोल्डिंग किट, ओसराम की प्रीमियम क्वालिटी की HID, फॉक लैम्प में GT सीरीज की 110 वाट की LED क्वालिटी भाई। साइड में प्रोफाइल में दिखा दूँ, बहुत ज़्यादा क्रोम नहीं लगाया हमने, डोर वाइज़र लगाए हैं जो रहने वाले हैं हुंडई के ओरिजिनल भाई, क्रोम वाले नहीं, आफ्टर मार्केट नहीं, हुंडई मतलब हुंडई। रूफ रेल लगाई है भाई बिल्कुल ओरिजिनल टाइप, जो स्क्रू से टाइट करके लगाई है, और दिखा दूँ भाई पूरा हिला रहा हूँ लेकिन इसकी मजबूती क्या बात है। पीछे दिखा दूँ भाई पार्सल ट्रे ओरिजिनल लगाई है हमने, ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल पार्सल ट्रे, हुंडई के ओरिजिनल पार्ट नंबर के साथ भाई ओरिजिनल सारी आइटम भाई। बता दूं पुराना सामान कोई भी नहीं रखते, सारा का सारा सामान कस्टमर को एज इट इज़ वापस दिया जाता है। बूट मैट, डिक्की लाइट, हर चीज़ हमने इसके अंदर इंस्टॉल किया है। कैमरा भी लगाया तो भाई परफेक्शन के साथ, क्वालिटी प्रोडक्ट। गाड़ी की लुक पीछे से देखते ही बनती है, और हर चीज़ जो हमने इसके अंदर लगाई है लाजवाब है। आपको दिखाऊंगा गाड़ी के अंदर भी कि जो जो प्रोडक्ट हमने लगाए हैं और आपको क्या लगानी चाहिए एक बजट फ्रेंडली कार क्रेटा। जी हाँ, आप भी चाहते हैं सारे काम अपनी क्रेटा में कराना तो भाई ये गाड़ी तो मस्त बनी है, आप भी बनवाइए। हरियाणा गुड़गांव से आइए क्रेटा। ग्रोमेंडल भाई ओरिजिनल लगाए हैं, क्रेटा के ओरिजिनल स्विच के साथ, वेन्यू का स्विच नहीं लगाया भाई, i20 का स्विच नहीं लगाया, क्रेटा का ओरिजिनल स्विच लगाया जो वन टच वाला रहने वाला है। देख रहे हो क्रूज कंट्रोल हमने आज तक किसी को लोकल नहीं लगाया भाई, जेन्युइन प्रोडक्ट हर किसी को लगाएं। स्टेयरिंग कंट्रोल भी जेन्युइन है, क्रूज कंट्रोल भी जेन्युइन है, लाइट भी जल रही है भाई पूरी परफेक्शन के साथ, स्टेयरिंग रैप भी भाई देख लो, क्वालिटी देखो एक बार चीज़ की, फिटिंग की क्वालिटी देखो, एक परफेक्शन के साथ किया गया ज़बरदस्त काम जो हमने इसके अंदर किया है। साइड मिरर प्रॉपर फिटिंग की है, ट्यूटर की स्लैश लगाई है, सनग्लास होल्डर ये भी जेन्युइन है मेरे भाई। आप लोगों का जो विश्वास है उसको पूरी तरह से बनाए रखने के लिए हमने हर चीज़ इसमें जेन्युइन तरीके से लगाई है। हर काम चाहे वो साउंड सेटअप हो, JBL के GTO सीरीज के कंपोनेंट, डैम्पिंग डॉक्टर आर्टेक्स की, भाई हर चीज़ क्वालिटी के साथ लगाई है। अब मैं आपको साउंड सिस्टम भी दिखाऊंगा, हर चीज़ तरीके से परफेक्शन से लगाई है। देख रहे हैं मेरी वीडियो में बार बार मैं दिखा रहा हूँ कि हम जेन्युइन बॉक्स पैक अलॉय भी लगाते हैं भाई, कोई यूज़ या पुराने नहीं। और सबसे ज़रूरी चीज़ भाई दिखा रहा हूँ ये अलॉय व्हील की कैप, अगर आप भी अलॉय व्हील लगाने जा रहे हैं या अलॉय व्हील की कैप लगाने जा रहे हैं तो ये जरूर देखिए कि जो कैप लगाई जा रही है वो पैकिंग में हुंडई की ओरिजिनल है और पूरी तरह से पैक्ड है या नहीं, और उसकी MRP 775 रुपये एक कैप की है या नहीं, क्योंकि मार्केट में हो रहा है फ्रॉड। 100-100 रुपये वाली अलॉय व्हील की डुप्लीकेट कैप लगाकर आपको दिए जा रहे हैं। अलॉय व्हील तो अगले लगा रहे हैं ओरिजिनल, लेकिन कैप लगा रहे हैं लोकल। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आपने देखी होगी ये हुंडई की ओरिजिनल कैप है भाई,
ये ओरिजिनल कैप लगाते हैं, कोई लोकल कैप या लूज कैप हम नहीं लगाते हैं, जिसकी एक एमआरपी, एक कैप की जो एमआरपी है 775 रुपये। चारों अलॉय व्हील भाई, चारों के चारों अलॉय व्हील ब्रांड न्यू बॉक्स पैक हैं, देख रहे हैं आप, कोई भी यूज़ या पुराने अलॉय व्हील नहीं है ये।